इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज ब्यावर के केसी कॉन्वेंट हाई स्कूल ब्यावर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के संचालक इंदर सिंह लववंशी ने माँ सरस्वती की तस्वीर पर चंदन तिलक और माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा के विषय में अपने अपने उद्बोधन दिए। विद्यालय के संचालक इंदर सिंह लववंशी गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु ही ऐसा है जो जीवन में अपने विद्यार्थी को सर्वोच्च शिखर पर देखना चाहता है। गुरु शिष्य के लिए दीपक की तरह जलकर प्रकाश देता है और कुम्हार जिस प्रकार मटके को ऊपर से पीटता और अंदर से सराहा देता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को डांटता है और उसके सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ सभी छात्रों को धर्म, संस्कृति, आचार विचार के विषय में ज्ञान देना अति आवश्यक है। विद्यालय के संचालक द्वारा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं चरण वंदन कर तिलक लगाकर माला अर्पण कर और उपहार देकर सभी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी रिटायर शिक्षक श्री सुरेंद्र कुशवाहा भी मंच पर संचालन किया। इस अवसर पर विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका रीना लववंशी, श्रीमती गायिका मेवाड़ा, श्रीमती किरण सक्सेना, कुमारी शिवानी गुप्ता, श्रीमती रिंकू कुशवाहा, श्रीमती अंजना नगर, श्रीमती रानी शर्मा, कुमारी वैजयंती बरहन, श्रीमती राधा राधव, कीर्ति राजपूत, मिस राजकुमारी सेठ, रविना सोंधिया, सलोनी गुप्ता, मिस पूजा सोंधिया, मिस विनीता कुशवाहा, श्रीमती मनीषा कुशवाहा, भारती ग्वली और मनोज वर्मा, दीपक गौड़ सहित अन्य शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।